الزانيه والزاني فجلدوا كل واحده منهما مئه جلده। जिना करने की बदकारी की शुरुआत लड़के की तरफ से पहले नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। भागने और भगाने की शुरुआत लड़के की तरफ से नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube इस्लामिक चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मौला जर्जिस का एक बहुत ही प्यारा सा बयान, जिसमें मौला जर्जिस ने आजकल की मुसलमान लड़कियों के हालात का बयान किया है और बताया है कि लड़कियों को कॉलेज में भेजना कैसा है, सही या गलत, डिटेल में समझाया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। दोस्तों एक बहुत ही प्यारी वीडियो, सब मुसलमानों को देखनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारी में सेंड करो। और वीडियो को ध्यान से खूब आखिर तक जरूर देखना, बीच में वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी मुसलमानों के लिए, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शेयर करना मत भूलना, वीडियो को जरूर शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते कि एक गांव में कोई लड़का उसी गांव की किसी लड़की को लेकर भाग गया, दो चार दिन के बाद पकड़ गए, गांव वापस आए। अब लड़की का बाप रोता है, ओ मेरी लड़की तो इज्जत लुट गई, बर्बाद हो गया, मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अब जोर डाला जाता है गांव की तरफ से कि तू लेके भागा था, चल अब शादी करो उसके साथ। ये गांव की तरफ से फैसला होता है शादी करो उसके साथ, और वो लड़का तैयार नहीं है शादी करने के लिए। वो लड़का कह रहा भाई शादी की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अब ये लड़की का बाप कह रहा है ये लड़का लेके भाग गया मेरी लड़की को, अब मेरी लड़की तो बदनाम हो गई, कुछ हुआ हो या ना हुआ हो लेकिन बदनाम तो हम हो गए, कौन मेरी लड़की से शादी करेगा। लड़के का बाप ये कह रहा भाई दोनों बातें करते थे, मोबाइल पे लगे रहते थे रात रात भर, हम क्या करें। लड़का कह रहा हम शादी क्यों करें, शादी की कोई बात ही नहीं हुई है इससे हमारी, ठीक है हम भगा के ले गए तो तुम्हारे घर थोड़ी घुस के ले गए थे, हम फोन पे बात हुई फला जगह तुम आ जाओ, हम भी फला जगह चल रहे हैं मोटरसाइकिल लेके आ जाएंगे, हम वहां मौजूद थे, ये आ गई हम लेके भाग गए। अब गांव में जो सरपंच होते हैं मुखिया लोग, सुनो अगर यहां पर भी ऐसा होता है तो सुन ले इस गांव का मुखिया और सरदार, कयामत के दिन तुम्हें भी गवाही देना पड़ेगी और अल्लाह के सामने तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। अब क्या होता है, अच्छा ठीक है तू शादी नहीं करेगा, नहीं, अब उस लड़की का तो इज्जत खराब हो गई, हाँ तो क्या हुआ, चल 5 लाख रुपए जुर्माना देगा लड़का वाला लड़की को। अबे तेरे बाप का फैसला है, गांव के मुखिया सरदार या सरपंच या पंचायत में जो लोग बैठ कर ये फैसला करते हैं ये सब रॉन्ग है, कुरान हदीस के खिलाफ फैसला कर रहे हैं। दुनिया में 5 लाख 4 लाख रुपया दिलवा सकते हो लेकिन कयामत के दिन अपने आप को बचा नहीं सकते हो इस फैसले से। सवाल ये पैदा हुआ है कि लड़का भागा तो लड़की भी तो भागी, फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर क्यों आयद हो रहा है और लड़के का पैसा 4 लाख 5 लाख रुपए आप लड़की को और उसके बाप को दिला देते हैं, ये कहां की इंसानियत है, जबकि कुरान ये कह रहा है अज़ानियत वज़ानी फजलिदु कुल्ल वाहिदतिन मिन्हुमा मियता जल्दा। जिना करने की बदकारी की शुरुआत लड़के की तरफ से पहले नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। भागने और भगाने की शुरुआत लड़के की तरफ से नहीं, लड़की की तरफ से पहले होती है। ये सुई है, ये धागा है, जर्जी साहब सुई में धागा डाल रहे हैं लेकिन सुई को हम ऐसे हटा देते हैं, धागा जा ही नहीं सकता है। जब सुई अपनी जगह पर खड़ी है, टस से मस नहीं हो रही है, तब धागा उस सुई के अंदर चला जाएगा। ये साफ सरी दलील है, अगर लड़की अपने आप को बचाए तो लड़का कभी उसके साथ जिना कर ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीस की बात इंडियन कानून के खिलाफ है लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में है। जिना की शुरुआत अगर लड़की भागने के लिए तैयार ही ना हो तो लड़का भगा ही नहीं सकता है।
लड़की भागती नहीं। सवाल है साहब, मेरा लड़का, तुम्हारा लड़का मेरी लड़की भाग ले, भगा के ले गया, तू तो 18 साल तक पालता रहा, फिर तू अपनी अलमारी भी नहीं बचा सका, वो पैसा भी लेके भाग गई और सोना भी लेके चली गई, जेवर भी लेके चली गई। जब तू अपनी लड़की पर इतना कंट्रोल नहीं कर सका तो जुर्माना लड़के वालों पर लगाते हैं, और ये फैसला पंचायत करती है गांव की, सरपंच करता है, मुखिया करता है, सरदार करता है, ये फैसला जो कुरान और हदीस के खिलाफ। शादी हो सकती है या नहीं वो एक अलग मसला है, वो अलग जाने दीजिए। सवाल ये है क्या जुर्माना लड़के के ऊपर आयत होगा जबकि भागने में दोनों ने बराबर बराबर की भागीदारी ली है। कोई लड़का जबरदस्ती घर में घुसकर लेकर तो नहीं गया था, आपकी लड़की भी घर से निकली, लड़का भी निकला, दोनों निकले, एक हफ्ता गायब रहे फिर आए, वो एक अलग मसला है। लिहाजा जुर्माना आयद होना चाहिए तो दोनों पर होना चाहिए, कोड़े पड़ना चाहिए तो दोनों पे पड़ना चाहिए, संसार होना चाहिए तो दोनों को होना चाहिए, अगर सजा मिलनी चाहिए तो दोनों को बराबर बराबर मिलनी चाहिए। आप